हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। और हम बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं टोटल 101 वीवीए स्मॉल कोड एग्जांपल, जिसमें हम छोटे छोटे 100 से ऊपर माइक्रो के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी माइक्रो की नॉलेज बढ़ जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है तो मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। और साथ में अगर आप मेरे साथ लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो आज रात को 10 बजे हमारी एक क्लास शुरू हो रही है वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर। हम बात कर रहे हैं आज आपके साथ कि किस तरीके से इस डेटा को सॉर्ट करें। जी हाँ, मुझे मान लीजिए कि मंथ वाइज या टोटल वाइज मुझे इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सम का फॉर्मूला लगाया और इसके बाद इसके अकॉर्डिंग मुझे इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। अब इसको सेलेक्ट करके सॉर्ट करना है, तो इसके लिए आते हैं विजुअल बेसिक पे, इंसर्ट में आते हैं, मॉड्यूल्स पे क्लिक करते हैं और माइक्रो डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा सैंपल का 41वां माइक्रो है। जी हाँ, 41 नंबर का माइक्रो है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं कि सबसे पहले अब ऑटोमेटिक रेंज लेना है। तो सिंपल सा लिखते हैं रेंज A1 डॉट करेंट रीजन, ताकि पूरा का पूरा पकड़ ले, डॉट शॉर्ट। अब शॉर्ट में स्पेस देते हैं, सबसे पहले आता है की, कि कौन सा की है। तो मेरा जो की है वो हमें है हमारा B1। क्या है हमारा B1? नहीं, F1। ये हमारा F1 है। यहाँ पे लिखिए रेंज F1। अब इसपे इसके बाद असेंडिंग चाहिए डिसेंडिंग चाहिए, तो हमने बोला मुझे असेंडिंग चाहिए। उसके अलावा फिर यहाँ पे की 2 आता है, फिर उसका असेंडिंग डिसेंडिंग, की 3 आता है उसका असेंडिंग डिसेंडिंग, इसी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है एक चीज जो मेजर करता है लास्ट में, हीडर। हीडर रखना है कि गेस कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो गेस कर लेगा, या यस कीजिए या नो कीजिए। तो यस ही कीजिए, वरना जो ऊपर का हेडिंग नेम जेन 5 है वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब इस माइक्रो को हम रन करते हैं, तो यहाँ माइक्रोज पे आते हैं और सैंपल 41 को यहां से रन करते हैं। रन करते देख सकते हैं कि हमारा शॉर्ट हो गया, बिल्कुल सही तरीके से वर्क किया। अब पूरी वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए पूरी सिक्वेंसली में वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। और वीडियोस के लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे साथ लाइव क्लास ले रहे, तो जूम पे हम लोग लाइव क्लास देते हैं। तो आज रात को 10 बजे का क्लासेज है। अगर आपको आज रात एज अ डेमो ज्वाइन करना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर है। थैंक यू।